और पानी पी रहे हैं। वहीं पानी और दूध जानकारी लेते लगते ही मंदिरों में भक्तों का हुशूम उमड़ पड़ा है। और कुछ सालों पहले ये घटना पूरे भारतवर्ष में घट चुकी है, जिसमें भगवान गणेश की मूर्ति की दूध पीने की बात सामने आई थी, जिसमें देश की जनता ने चमत्कार होते साक्षात देखा, और ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। नीचे गिर रहा है ना, पर पिए नीचे अभी थोड़ा थोड़ा बहन आराम से थोड़ा जी। मेरे दादू टीवी देख रहे थे, तब उन्होंने बताया कि नन्नी जी जो हैं वो पानी और दूध पी रहे हैं, और फिर हम मैं मंदिर में आया और पानी और दूध उनको पिलाया। हमने टीवी देख रहे थे हम लोग, तो उसमें देखे कि नंदी जी दूध और पानी पी रहे हैं, तो हमने तुरंत हमारे घर में ही मंदिर है शंकर जी का, वहां आकर हमने भी नंदी को दूध और पानी पिलाया है, तो वो बहुत स्पीड से चम्मच का पानी भी खत्म हो रहा है और दूध भी खत्म हो रहा है। अगली खबर सिरोंज से है, जहां आने वाले एक दो दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना को देखते हुए सिरोंज में जनता ने पेट्रोल व डीजल का स्टॉक करना शुरू कर दिया है। तो वहीं लोगों का कहना है कि संभावित 20 से 25 रुपए प्रति लीटर तेल में बढ़ोतरी की जा सकती है, और जिससे आदमी का बजट भी बिगड़ जाएगा, इसलिए लोगों ने जितना हो सके उतना पेट्रोल व डीजल स्टॉक कराना शुरू कर दिया है, जिससे कुछ दिन घर का बजट न बिगड़ सके। और 3 दशक पहले गणेश जी के दूध पीने के बाद इंदौर के कई मंदिरों में भी शनिवार को नंदी के पानी पीने की अफवाह से कई शिव मंदिरों में नंदी को चम्मच से पानी पिलाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। शिव मंदिर में नंदी को पानी पिलाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है कि जिस तरह से गणेश जी ने दूध पिया था, उसी तरह नंदी भी पानी पी रहा है, और ये भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। तो इंदौर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पानी लेकर नंदी को पिलाने के लिए पहुंचे हैं, और इस तरह से चम्मचों में पानी लेकर लोग यहाँ पर नंदी को पानी पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये कितना सच है ये इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, लेकिन लोगों की आस्था यहाँ पर साफ नजर आ रही है। लोग यहाँ पर नंदी को पानी पिलाने के लिए पहुंच रहे हैं। और कोरोना का हॉटस्पॉट रहा इंदौर शहर में, अब कोरोना की गति धीमे धीमे कम होती नजर आ रही है, जिसके चलते इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में अब दर्शकों की संख्या भी बढ़ने लगी है। हालांकि जो प्रशासन अभी भी लोगों से मास्क के लेकर जागरूक रहने के अनाउंसमेंट के माध्यम से अपील करता है। बता दें कि देश में सबसे ज्यादा प्रजनन दर की संख्या रखने वाले इंदौर के प्राणी संग्रहालय में अब लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जिससे जू प्रशासन को अब राहत की सांस मिलती है। और हालांकि भी लोगों से मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की अपील भी जू प्रशासन कर रहा है। जू प्रभारी उत्तम यादव ने बताया कि आने वाले दिनों में दर्शकों को इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में नए एनिमल्स भी देखने को मिल सकेंगे। हालांकि जू प्रशासन लगातार अभी भी कोरोना वायरस को लेकर दर्शकों को जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है। फल तो निश्चित रूप से जो कोरोना ओमिक्रॉन का जो डर था लोगों में, काफी हद तक कम हुआ है वो, और उसके कारण फुटफॉल काफ़ी बड़ा है। 4,500 से 5,000 लोग पर डे अभी नॉर्मल डेज में आ रहे हैं, और जो वीकेंड रहता है वहाँ उस दिन भी करीब 15,000 प्लस के आसपास फुटफॉल रहता है, तो फुटफॉल तो काफ़ी बड़ा है। और जो भी व्यवस्था यहाँ पर जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज चल रही है, उसको भी काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ नए इंक्लूजर भी बन रहे थे, उसको लेके भी लोगों में काफ़ी उत्साह, कुछ नए एनिमल्स को आने को लेके भी उत्साह है। तो